Welcome back, student. Let's continue our topic, and today we will do about the classification of fungi. So, as you know, fungi showing the sexual reproduction by gametangential contact, gametangential copulation, and it's having mycelium as a structural body, and the single filament is known as hypha. Okay. तो हम इन्हीं के बेस पे ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉडी स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिप्रोडक्शन फंजाई को क्लासिफाई किया गया है. सो फंजाई आर क्लासिफाइड बेसिकली इनटू फोर क्लासेस. फंजाई आर फोर क्लासेस इट्स हैविंग. फर्स्ट इज फाइकोमाइसिन. Mycelium. Second is ascomycetes, phycomycetes, ascomycetes, basidium, basidiomycetes. And deuteromycetes. So there are four classes of fungi. Fungi को four parts में divide कर दिया गया है. Phycomycetes, ascomycetes, basidiomycetes and deuteromycetes. किस बेस पे? On the basis of their structural body, structural body and about their reproduction on the basis of its body structure. Body ke structure ke base pe, nutrition ke base pe. एंड रिप्रोडक्शन के बेस. ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ इट्स बॉडी स्ट्रक्चर माइसीलियम सेप्टेट है, ए सेप्टेट है, सिनोसिटिक कंडीशन है या नहीं है. न्यूट्रिशन के बेस पे कैसा है न्यूट्रिशन, उसमें पैरासिटिक है, सेप्रोफाइटिक है. एंड रिप्रोडक्शन के बेस पे यहाँ पे हमारी फंजाई को फोर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया. फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस एंड ड्यूटेरियोमाइसिटिस. यहाँ पे हमारी फाइकोमाइसिटिस हैं. फाइकोमाइसिटिस को लोअर फंजाई कहा जाता है. दीज आर नोन एज लोअर फंजाई. दीज आर द सिंपलेस्ट फंजाई. सिंपलेस्ट फंजाई हैं ये, इसीलिए इनको लोअर फंजाई कहा जाता है. सिंपलेस्ट फंजाई दीज आर. ओके. सेकंड इज एस्कोमाइसिटीज. एस्कोमाइसिटीज आर नोन एज सैक फंजाई. दीज आर नोन एज सैक फंजाई. यीस्ट हमारी एस्कोमाइसिटीज में आती है. दीज आर नोन एज सैक फंजाई. बेसिडियोमाइसिटीज हैं. दीज आर नोन एज ब्रैकेट और पफ बॉल. ब्रैकेट फंजाई. एंड दीज ड्यूटेरियोमाइसिटीज इज नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई. इम्परफेक्ट फंजाई. तो आप देख पा रहे हो फाइकोमाइसिटीज. फाइकोमाइसिटीज को लोअर फंजाई कहा जाता है क्योंकि ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप की फंजाई है. सो नॉट सो डेवलप्ड फंजाई. दैट्स व्हाई वी कॉल दिस इज फाइकोमाइसिटीज को क्या कहते हैं हम लोअर फंजाई. एस्कोमाइसिटीज हैं ये यूनिसेलुलर भी होती है, मल्टी सेलुलर भी होती है और इनका स्ट्रक्चर यूनिसेलुलर है. तो ऐसा होता है यीस्ट ऐसी ही होती है हमारी. इसमें काफी सारा जो खाली जगह है जिसे हम क्या बोलते हैं वी कॉल दैट इज सैक.
So it is sac fungi. Bracket fungi, this is the bracket fungi, or you can say this is the puff ball fungi. Imperfect fungi kyun kehte hain bhai deuteromycetes ko, because it this type of fungi lack sexual reproduction. It lacks sexual reproduction. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती फंजाई की यहाँ पे, इसीलिए डिटेरियोमाइसिटीज में जितने भी हमारे मेंबर्स आते हैं वो सारे कैसे कहलाएंगे, दीज आर नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई. सो लेट्स वी कंटिन्यू आवर फर्स्ट, दैट इज द फाइकोमाइसिटीज. फाइकोमाइसिटीज, इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूंगी, हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो गैमी होती है, फ्यूजन होता है, वो थ्री टाइप्स का होता है, आइसोगैमी, अनआइसोगैमी एंड ओगैमी. ओके, तो आइसोगैमी क्या होता है, आइसोगैमी अगर फर्टिलाइजेशन सेम गैमेट्स का होता है देन वी से दैट इज द आइसोगैमी. सिंगामी इज ऑफ फ्यूजन ऑफ two gametes तो ये gametes कैसे कैसे इनके बेस पे isogamy होती है, isogamy. second is unisogamy. वैसे ये हम पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी एक बार revise करवा देती हूँ, unisogamy. and third is oogamy. आइसोगैमी क्या होती है, आइसोगैमस दो हमारे ऐसे स्पोर्स होते हैं विच आर सेम द फ्यूजन ऑफ टू सिमिलर गैमेट, फ्यूजन ऑफ टू सेम साइज या यू कैन से सिमिलर गैमेट्स. सिमिलर गैमेट्स का अगर फ्यूजन हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज ऑल्सो गैमेट, मेल गैमेट एंड दिस इज द फीमेल गैमेट, दोनों ने फ्यूज किया सो फ्यूजन हो गया एंड दे फॉर्म द जायगॉट, सो वी कॉल दिस इज द आइसोगैमी. ओके, द फ्यूजन ऑफ टू सिमिलर गैमेट इन ऑल रिस्पॉन्स देन वी से दैट इज द आइसोगैमी. नेक्स्ट अनआइसोगैमी, इट अनआइसोगैमी, अन मीन्स डिफरेंट, सो दैट इट इज द फ्यूजन ऑफ It is the fusion of two different gametes. Two different gametes is known as क्या कहते हैं हम इसे, unisogamy. The fusion of two different gametes, different मतलब size में अगर different है, for example this and this is a male gamete and this is a female gamete and both they fuse and form the zygote, then we say this is the, इसे हम क्या कहते हैं, we'll call this is the unisogamy. What do you mean by oogamy? Oogamy मतलब totally different. The fusion of two different gamete in old response, different gametes in old response, पूरी तरह से दोनों different हैं, is known as, उसको हम क्या कहते हैं, is known as oogamy. ओके, तो यहाँ इस जब आप क्लासेस पढ़ेंगे तो आप उनमें ये पढ़ेंगे, देयर इज द ओगैमस, ओगैमस फर्टिलाइजेशन इज ओगैमस टाइप या आइसोगैमी टाइप, अनआइसोगैमी टाइप. तो ये अगर आपने पढ़ा भी है तो भी कोई बात नहीं, एक बार रिवाइज हो गया है. यहाँ पे अगर दोनों तरह के अलग हैं गैमेट्स,
तो हम इसको क्या बोलते हैं, दिस इज अ टोटली डिफरेंट गैमेट, दिस इज अ मेल गैमेट एंड दिस इज द फीमेल गैमेट. दिस टाइप ऑफ गैमी इज नोन एज ओगैमी. सो दैट लेट्स वी कंटिन्यू आवर टॉपिक एंड दैट इज द फंजाई. इन केस ऑफ फाइकोमाइसिटिस, फाइकोमाइसिटिस अभी अभी मैंने बोला, अभी लोअर फंजाई है. लोअर फंजाई मतलब सबसे सिंपल टाइप की फंजाई. सो सिंपल टाइप फंजाई है तो माइसेलियम. सबसे पहले हम माइसेलियम पे देखते हैं. सबसे पहले अगर हम इसके हैबिटेट के बारे में पढ़ते हैं तो दीज आर एक्वेटिक, क्योंकि आपको पता है ये सबसे सिंपल टाइप की फंजाई हैं. सो दैट यू कैन से दीज आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट. फाइकोमाइसिटिस, दीज आर द फंजाई. These are that type of fungi. These are those type of fungi. कोई नहीं इतना. These are those types of fungi. Which develop या which found in aquatic habitat. Aquatic as well as these are also found in moist soil and damp soil as well as these are also found in damp soil. ठीक है, माइसेलियम, उससे पहले दे आर पैरासिटिक. दीज आर पैरासाइट्स. दीज आर पैरासाइट्स. पैरासाइट दो टाइप के होते हैं ना, एक्टो पैरासाइट, एंडो पैरासाइट. एक्टो पैरासाइट और एंडो पैरासाइट. Next, their mycelium is aseptate and you can say cenocytic condition they have in. Cenocytic condition found in such fungi. Cenocytic condition क्या होती है? Multinucleated condition. Cenocytic condition found in these fungi. Their mycelium is aseptate. Aseptate क्या होता है? Sorry. This is the mycelium. So that there is no wall in between the nucleus, each and every nucleus. सारे के सारे nucleus, nuclei की condition यहाँ पे मिली है, इसीलिए you can say this condition is multinucleated. Multinucleated it is. So you can say that at here cenocytic condition is found. Next, यहाँ पे जो हमारी रिप्रोडक्शन है फाइकोमाइसिटीज में, वो या तो जूस पोर से होगी या फिर वो दैट इज अप्लैनो, दैट इज अकर बाय द अप्लैनोस्पोर और कॉनिडिया. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय reproduction occur by conidia formation of planum formation
a planospore. Formation and sporangiosporin form. Fertilization इनमें कैसी हो सकती है? Fertilization occur by isogamy and oogamy. Okay. तो यहाँ पे हमारी जो फाइकोमाइसिटीज हैं उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है. इन्हीं के बेस पे, इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे फाइकोमाइसिटीज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. फाइकोमाइसिटीज हैं हमारी, वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती हैं. फर्स्ट इज ओमाइसिटीज एंड सेकेंड इज जाइगोमाइसिटीज. फर्स्ट इज oomycetes and second is zygomycetes. oomycetes का एग्जाम्पल क्या है? oomycetes का एग्जाम्पल आ जाता है हमारा phytophthora infestor. And in case of zygomycetes, there are example rhizopus, mucor, etc. Albugo mustard पे पाई जाने वाली फंजाई है. So that there are two types of phytophthora infestans है एक को. इन्फेस्टांस ओमाइसिटीज में जो फर्टिलाइजेशन है वो कैसी पाई जाती है? दैट इज ओगैमेटाइप फर्टिलाइजेशन. एंड हियर इन केस ऑफ जाइगोमाइसिटीज हियर द फर्टिलाइजेशन इज आइसोगैमेटाइप. इसमें कोनिडिया फॉर्मेशन होती है. कोनिडिया फॉर्मेशन so you can say these are exospores, conidia formation. Here sporangiospores, zoospores, you can say sporangiospores. जो phytophthora infestans है, it cause late blight of potato. This is है potato plant में क्या बोला जाता है इसे? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो. एंड दिस इज कॉज्ड बाई phytophthora infestans. सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज अबाउट phycomycetes. इन आवर नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट क्लास ऑफ फंजाई. थैंक यू एंड हैव ए नाइस.